नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ, आज है विजयदशमी, आपको मैं पंडाल दिखाने वाला हूँ देशोप्रिय पार्क। आपको दिखाया है देशोप्रिय पार्क, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, अभी आपको सीनरी दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि वो अंदर ही घुसने नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल से अंदर घुस पाए और दूर से फिर बाहर जाके आपको मैं दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे सीन ये था कि सब लोग वहाँ पे होली होली खेल रहे थे। आज थोड़ा मतलब सिंदूर खेला होता है क्योंकि लास्ट डे है, ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ अपने घर आती है, उसके बाद आज के दिन ही उनका विदाई होता है विजयदशमी के दिन। तो चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ, अभी मैं आपको जा रहा हूँ त्रिधारा का पंडाल दिखाने जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो चलिए अगला आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यकीन बनाइए, ये एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए, और लग रहा है कि ये नकली है पर ये सब बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी फिर से हम लोग आए हैं मार्केट की तरफ, यहाँ पे आपको तरह तरह के लोग यहाँ फूड आइटम दिख रहे हैं। जब भी आप यहाँ पे घूमने आएंगे कोलकाता में कोई पंडाल में, तो आपको यहाँ पे फूड आइटम बहुत मिलेंगे। ये देख सकते हैं मोमो का दुकान है, फिर जाके तरह तरह का दुकान है, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह का भी दुकान है, तो काफ़ी ज़्यादा। और आज विजयदशमी है बोल के यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है बट बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये भी पंडाल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है साथ में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर है एक पंडाल का, अभी हमारे छोटे छोटे घर यहाँ पे मिट्टी के बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग मरते हैं उसके बाद फिर जाते हैं सीधा भगवान की तरफ, और ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये पंडाल ने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं इस साल के लिए, तो ये देख सकते हैं अवार्ड्स। और अगले चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस बार दुर्गा पूजा में ये सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह काफी ज्यादा हुए हैं, लाइक पहले लाइट वगैरह बहुत ज्यादा लगते थे पर दिन पर दिन अब एडवर्टाइजमेंट का मोटिव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग बादाम तल्ला और 66 पल्ली घूम लिए हैं और अभी जा रहे हैं चेतला अग्रानी क्लब के तरफ जो कि ब्रिज के ठीक उस पार है और हम लोग ब्रिज के अभी इस पार है, तो अभी जाना पड़ेगा उधर, उसके बाद हम आपको आगे का व्यू दिखाएंगे क्योंकि खोजने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि जगह मेरे को आइडिया नहीं है उतना, मैं इस साइड रहता नहीं कोलकाता के। चलिए आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज के ठीक उस पार जाना है हमें, उसके बाद मैं आपको आगे ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये एक पार्क है वहाँ पे ठीक पास में ही, यहाँ पे कालीघाट के तरफ, और कितना सुंदर पार्क है कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाया इधर आने से, बहुत ही सुंदर पार्क है, यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के उसके बाद हम लोग आगे का पंडाल को घूमने जाएंगे, बहुत ही सुंदर पार्क है ये। तो दोस्तों सच बताऊं तो इसका व्यू बहुत ही प्यारा है और इन्वायरमेंट तो बहुत ही अपीलिंग है, शाम को वॉकिंग करने के लिए तो बहुत अच्छा है, और दुर्गा पूजा के समय अभी विजयदशमी है आज तो उतना भीड़ भी नहीं है पता नहीं क्यों, बट बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे भाई से पूछा मैंने तो बोल रहा था कि बहुत ज़्यादातर ये बंद ही रहता है पर आज ये खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। फाइनली आ चुके हैं चेतला अग्रानी क्लब, और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चेतला अग्रानी क्लब, ये देखिए पाइनएप्पल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, चलिए देखते हैं एक बार अंदर से कैसा है। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे लकड़ी का काम किया हुआ है हर एक चीज़ में, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों बेसिकली कॉन्सेप्ट इनका ये लग रहा है कि आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं या सर्कस में या ट्राइबल लोग आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों सच बताऊँ तो बहुत ही मेहनत लगा हुआ इसे हर एक स्ट्रक्चर बनाने में, और देखिए ऊपर में एक घूम रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और ये देखिए पूरा राउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, ये देख सकते हैं बंदर को दिखाते हुए यहाँ पे। और ये देख सकते हैं ये ग्रास हॉपर, पता नहीं ऐसे दिख रहा होगा कि नहीं पर ये ग्रास हॉपर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सूची संघा का पंडाल देखने के लिए,
66 पल्ली पंडाल हम लोगों ने देख लिया है, बादाम तल्ला देख लिया है और चेतला अग्रानी क्लब का पंडाल देख लिया है। तो इस साइड का सब कुछ हमने देख लिया है। अभी यहाँ पे पार करके ब्रिज फिर से जाना है सूची संघा का देखने के लिए, क्योंकि सूची संघा बहुत ही इंपॉर्टेंट पंडाल होता है और बहुत ही मस्त बनाया गया है इस बार, थोड़ा सा मतलब 3D इफेक्ट वगैरह बनाया गया है, तो उसे देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हसल करना पड़ रहा है हमें, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं हम अभी, 3.47 किलोमीटर चल चुके हैं, बट कोई नहीं, आपके लिए उतना जायज है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम लोग सूची संघा के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप लाइन, आज भी विजयदशमी के दिन भी इतना भीड़ है। अभी ये लाइन में हम लोगों ने चल के उसके बाद ये लाइन तक जाना है यू टर्न लेके, उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे। तो देख सकते हैं आज भी इतना लोगों का उत्साह है, इतना ज्यादा भीड़ है। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कितना भीड़ है आज पूरे दिन, लास्ट डे भी इतना भीड़ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है सूची संघा का पंडाल, ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 2001 से लेकर 2021 तक इनने इतने सारे प्राइज जीते हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा पंडाल बनता है यहाँ पे हर साल। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं, इतना फेमस पंडाल है ये। और ये देखिए इस साल के अवार्ड्स वगैरह, और ये देखिए इसके अंदर में जो है 3D लाइटनिंग हुई है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा अभी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 3D लाइटनिंग की हुई है यहाँ पे, और लोगों का उत्साह कितना है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे गार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा सीटी बजा रहे हैं ताकि लोग हट जाएं। और ये देखिए सबके हाथ में ही मोबाइल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 3D इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों ये 3D है पूरा, ये ऊपर में भी देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं स्लैंड में, दिल्ली सिख एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग है। देख सकते हैं अभी हम लोग वही खा रहे हैं, हम लोग ने मंगाया है चिकन तंगड़ी कबाब, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, बहुत ही अच्छा लुक है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे यहाँ पे रेड रोड के तरफ, पर यहाँ पे रेड रोड में अभी शो नहीं चल रहा है, नेट पे देखा तो शायद 8th of October को है, और श्योर नहीं है कि वो इस साल का दिखा रहा है 2021 का। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो अब तक के लिए कहता हूँ मैं आपको, बाय।